पाकिस्तान के लिए अगले 48 घंटे बहुत मुश्किल भरे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां आजकल 5 अगस्त की चर्चा जोरों पर है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हो ना हो इंडिया फिर इस बार 5 अगस्त को कुछ बड़ा करने जा रहा है। अगर आप देश के हित में तारीखों को याद रखते हैं तो 5 अगस्त आप कभी नहीं भूल पाएंगे। वर्ष 2019 में 5 अगस्त के ही दिन भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि 370 को हटाने का कश्मीर पर क्या असर हुआ है और कैसे वहां की तस्वीरें पाकिस्तान के दिल में शूल बनकर चुभ रही हैं। और अब फिर एक बार 5 अगस्त के ही दिन भारत एक और इतिहास बनाने के करीब है। 2 दिन बाद हमारा चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और इस अग्नि परीक्षा को पास करने के साथ ही हम चांद पर तिरंगा लहराने के बेहद नजदीक खड़े होंगे। तो 5 अगस्त की तारीख बेहद खास है। किन मायनों में ये खास है विस्तार से आपको बताएंगे। और पाकिस्तान इतना डरा क्यों हुआ है, पाकिस्तान में इतनी दहशत क्यों है कि क्या भारत एक बार फिर 5 अगस्त को कुछ बड़ा करने वाला है। जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन पाकिस्तान की सरकार और 22 करोड़ जनता अब तक 5 अगस्त पर अटकी हुई है। पाकिस्तान में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ की सरकार के इशारे पर प्रोपेगेंडा चल रहा है और वहां से आ रही आवाजों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कश्मीरियों के थप्पड़ की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी खुद ही मान रहे हैं कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नाम पर शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के खोखले प्रोपेगेंडा का साथ तो खुद इस्लामिक देशों ने नहीं दिया। 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के पैर पकड़े, उनको मनाने की कोशिश की और 4 साल बीतने के बाद भी नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रहा। अब इस्लामाबाद पर बिजली गिराने वाली दूसरी खबर सीधे श्रीनगर से आई है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में देशी विदेशी टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। धरती के स्वर्ग में अब टी फॉर टेररिस्ट नहीं बल्कि टी फॉर टूरिस्ट आ रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां और शानदार डल लेक में पर्यटकों की भीड़ मौजूद है और सीमा पार पाकिस्तान में अगस्त 2019 का दर्द अब भी टीसे मार रहा है। 2019 के फैसले का असर जम्मू कश्मीर से आई तस्वीरों में देखिए। इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में 1,27,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के इसी समय के मुकाबले ज्यादा है। 2022 में पूरे साल में 1,88,00,000 पर्यटक आए थे और इस वर्ष के पहले 7 महीनों में ही 1,27,00,000 टूरिस्ट आए हैं और उम्मीद है साल बीतते बीतते नया रिकॉर्ड बन जाएगा। कश्मीर में ज्यादा टूरिस्ट आने का मतलब है दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाले और यहां तक कि शिकारा चलाने वालों को भी जमकर आमदनी हो रही है। घाटी की इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यानी श्रीनगर में G20 की मीटिंग ने इसे टूरिज्म का हब बना दिया है। कश्मीर की इन तस्वीरों और रिकॉर्ड्स के बारे में सुनकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट रहा है। कश्मीर में शांति है, टूरिज्म है, तरक्की है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और ये देख देख कर पाकिस्तानियों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये भी हो सकता है कि 5 अगस्त तक पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट और खुद वजीर आजम भी कैमरे के सामने आंसू बहाते नजर आ जाए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का कश्मीर विरोधी एजेंडा अगले कुछ दिनों में जोर पकड़ने वाला है। यह भी हो सकता है आपको भी सोशल मीडिया पर कश्मीर के बारे में बेसिर पैर की खबरें देखने को मिलें। आज विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि पाकिस्तान चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, कश्मीर पर कितना भी झूठ बोले, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। हर साल की उनकी कोशिश रहती है कि इस मुद्दे को उठाए या उस तरह के, आप हो सकता है इसी की जिक्र कर रहे हो, पर ऐसे प्रोपेगेंडा अटेम्प्ट कमी अभी तक कुछ उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, रियलिटी ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट्स हैं और इसको हम इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये प्योर प्रोपेगेंडा है। आजकल पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहां अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो गया है। योगी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि देश के बारे में उन्होंने कोई बयान दिया था। योगी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि देश संविधान से चलेगा और यहां रहना है तो मजहब नहीं बल्कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। मजहब बड़ा है या मुल्क, ये बात आजकल पाकिस्तान में हॉट टॉपिक है। इसके बाद योगी देशहित और मजहब को लेकर पाकिस्तान से जो रिएक्शन आए हैं वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं जी। आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा। योगी आदित्यनाथ के देश हित पर पाकिस्तान में बवाल शुरू हो गया है। योगी ने मजहब से पहले संविधान को रखने का बयान दिया। ये बयान यूपी में दिया गया और इसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान में दिखाई दिया। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं जी। आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। योगी के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगने की वजह समझिए। पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जनता को मजहब का चूर्ण खिलाती है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में मजहब पहले पायदान पर है और डेवलपमेंट को लेकर आटा दाल तक का इंतजाम दूसरे तीसरे या फिर दसवें नंबर पर आता है। पाकिस्तानियों का शॉकिंग रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है। एक पाकिस्तानी ने कैमरे पर पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि उनके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब। जवाब देते हुए पाकिस्तानियों ने योगी की सोच और समझ की तारीफ की। पाकिस्तान की आवाम को अपने नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें शहबाज और इमरान का असली खेल समझ आ गया है। पाकिस्तान की सरकार खुद भी मजहबी फैसले लेती है और अपनी जनता से भी ऐसा ही करने को कहती है। मजहब के नाम पर आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान में अब धमाके शुरू हो चुके हैं और इस बर्बादी के बीच इंडिया की तरक्की ने पाकिस्तानियों की आंखें खोल दी है। जनता ही नहीं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि उन्हें लगता है कि योगी और मोदी ने मिलकर इंडिया की इमेज बदल दी है, जबकि दुनिया के लिए पाकिस्तान का मतलब है आतंकिस्तान। एक अंतर साफ समझ आ रहा है कि पाकिस्तान में योगी की तारीफ होती है पर साथ ही उनके मन में कहीं ना कहीं योगी के लिए खौफ भी है। योगी के राष्ट्रवाद पर पाकिस्तान में बवाल चल रहा है। पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी कमजोरी मजहब है और इसी ने पाकिस्तान को गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन और महंगाई के चक्रव्यूह में फंसाए रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक पुरानी कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया देशहित में, वो फैसला हमारे यानी भारत के हित में है। इसके बाद शहबाज शरीफ ने नकल करके वही काम करी और उसके बाद वो वहां पर फंस गए और अब 22 करोड़ पाकिस्तानियों की थाली पर संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के चक्कर में शहबाज शरीफ फंस गए हैं। कुछ टाइम पहले तक भारत पूरी दुनिया में चावल एक्सपोर्ट कर रहा था, फिर भारत ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब इस्लामाबाद चावल एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। हालांकि ये खबर सुनते ही पाकिस्तान में संकट शुरू हो गया है। पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है। बीते दिनों से विदेशों में चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए शहबाज शरीफ ने चावल एक्सपोर्ट करके $3 अरब कमाने का फैसला किया। हालांकि अब पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन डर है कि पाकिस्तान में जैसे आटे की लाइन लगी थी, वैसे ही एक बार फिर पब्लिक चावल खरीदने की लाइन में खड़ी दिखाई देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों को भूखे मारने का प्लान बना लिया है। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री मोदी ने देशहित में गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट रोक दिया, जबकि शहबाज शरीफ ने अपना खजाना भरने के लिए पाकिस्तानियों की थाली पर डाका डाल दिया। भारत के एक्सपोर्ट का करीब 1/4 हिस्सा गैर बासमती चावल है। इस पर बैन लगने से पाकिस्तान सरकार की किस्मत चमक गई है। इस्लामाबाद को कमाई का मौका दिखा और पाकिस्तानियों को अभी से अपनी थाली के चावल के गायब होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं अंजू की। हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान पहुंचने के बाद फातिमा बन गई और अब पाकिस्तान अंजू बनी फातिमा को तोहफों से लादकर लव जिहाद टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से अब अंजू पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गई है और पाकिस्तान की राजधानी में भी उसके ऊपर तोहफों की बारिश की जा रही है। भूख और कंगाली से बिलबिलाते देश पाकिस्तान में अंजू के इस्लाम अपनाकर फातिमा बनने को उस पर लुटाए जा रहे पैसों की वजह बताया जा रहा है। अब बाकायदा वीडियो बनाकर पाकिस्तान में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है।
वहीं अब पाकिस्तान के जिहादी जाल में फंसी अंजू का हिंदुस्तान लौटना भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। अंजू के तेवर, पाकिस्तान में अंजू का ट्रेवल और पाकिस्तानियों का अंजू को लेकर बिहेवियर बता रहा है कि 30 दिन का वीजा लेकर पाकिस्तान पहुंची अंजू अब पाकिस्तान के जिहादी ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुकी है। पाकिस्तान अब अंजू को अपने मुल्क का लव जिहाद एम्बेसडर बना चुके हैं। 30 दिन का वीजा खत्म होने से पहले भारत लौटने की बात करने वाली अंजू अब पाकिस्तान से भारत लौटेगी इसकी उम्मीद भी कम होती जा रही है, क्योंकि अब तक अपर दीर में तोहफे ले रही ट्रेवल कर रही अंजू उर्फ फातिमा इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद आते ही अंजू के रंग ढंग और बयान बदल गए हैं। पहले अपने बच्चों के लिए भारत लौटने की बात करने वाली अंजू तोहफों से लदने के बाद अब भारत वापस नहीं लौटने के संकेत दे रही है। लेकिन अंजू खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद क्यों आई है? पाकिस्तान से वापस भारत नहीं लौटने का क्या है इस्लामाबाद कनेक्शन? ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं इस्लामाबाद में अंजू क्या क्या कर रही है और उसे कौन इस्लामाबाद लेकर आया है। इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन अंजू को तोहफे और पैसे दे रहे हैं और इस्लामाबाद के बाजारों में वीडियो बनाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कौन शख्स अंजू को यहाँ पर लेकर आया है? पाकिस्तान के इस रिपोर्टर के इस बयान को फिर से सुनिए और बयान के बाद अंजू के चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे अंजू को इस बात से बहुत खुशी मिली है। साफ है, लग रहा है कि तोहफों की चमक ने अंजू को अंधा कर दिया है। पाकिस्तान के इसी बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल करने के लिए अंजू को फ्लैट और दूसरे तोहफे दिए थे। अपर दीर में उस वक्त इस बिजनेसमैन के साथ जो महिला मौजूद थी वो इस्लामाबाद में भी मौजूद है। इन दो तस्वीरों को देखिए। अपर दीर में अंजू पाकिस्तानी ट्रेडिशन में दिखाई पड़ रही है, जहां पर ये महिला अंजू को शॉल उड़ा रही है और गिफ्ट दे रही है। लेकिन इस्लामाबाद में अंजू के बाल खुले हैं, सिर पर चश्मा रखा है और इस महिला से वो खुले में रखी हुई कुर्सियों पर बैठकर बात करती दिखाई दे रही है। यहीं पर कुछ दूसरे बिजनेसमैन भी अंजू को चेक दे रहे हैं। नसरुल्लाह को दिल ही दिल में अंजू के जरिए मालामाल बनने से काफी खुशी मिल रही होगी। अपर दीर के बाद इस्लामाबाद में भी अंजू की खूब खातिरदारी हो रही है। यहाँ भी डिनर का दौर चल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंजू को पाकिस्तान में दुनिया में लव जिहाद के प्रचार के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे पाकिस्तान के ये बिजनेसमैन पाकिस्तान में रहने वाले करोड़ों बेघर मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचते और अंजू को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इनका असली मकसद क्या है। वो तो सिर्फ अपने ऊपर हो रही धन वर्षा से खुश है। अब सवाल उठता है, अंजू क्या सिर्फ इस्लामाबाद तोहफा लेने के लिए पहुंची है? क्योंकि पुलिस को दिए हलफनामे में तो उसने कहा था कि वो अपर दीर इलाके से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अगर अंजू इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है तो मतलब साफ है पाकिस्तान की एजेंसियां भी उसके साथ हैं। अब समझिए अंजू इस्लामाबाद में क्या कर रही है। अंजू 21 जुलाई को वैध दस्तावेजों के साथ वाघा बॉर्डर होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर इलाके में पहुंची थी, लेकिन अंजू का वीजा 20 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान में रहने के लिए अंजू को वीजा बढ़वाना होगा और माना जा रहा है अंजू इस्लामाबाद वीजा बढ़वाने के लिए ही पहुंची है। पाकिस्तान में रुकने के लिए वीजा बढ़वाना जरूरी है और ये भी सच्चाई है कि बिना पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से उसका वीजा बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पहले अंजू का अपर दीर से इस्लामाबाद आना और फिर खुलकर वीडियो डालना साफ करता है कि अंजू का साथ पाकिस्तान की एजेंसियां खुलकर दे रही हैं और पाकिस्तान अंजू का इस्तेमाल कर रहा है। नसरुल्लाह ने भी मीडिया को बताया कि अंजू को पाकिस्तान बुलवाने में एजेंसियां उसके साथ थी। फिलहाल अंजू जो वीजा खत्म होने से पहले हिंदुस्तान वापस लौटने की बात कर रही थी वो पाकिस्तान में ही रहकर नापाक मुल्क के एजेंडे का टूल बनने के मूड में नजर आ रही है और आने वाले दिनों में अंजू का वीजा बढ़ जाए या फिर अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाए तो भी बहुत ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.